सर वैसे तो आप किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को देने से मना नहीं करते हैं कि आप कि फ्रूट्स वेजिटेबल दे सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फ्रूट्स या वेजिटेबल है जो किसी पर्टिकुलर बीमारी में नहीं देना चाहिए? ऐसा कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सारे बीमारी में दे सकते हैं और हम देते भी हैं। लेकिन कई बार जैसे किडनी के पेशेंट आते हैं तो उनको हम पालक नहीं देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि पालक खाने से मेरी पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो भगवान ने इतने सारे वेजिटेबल बनाए, एक आध चीज़ ना भी दो, क्योंकि वो पेशेंट के साइकोलॉजी से मैच नहीं करता। और हमारे पास ऑप्शन और भी है। तो इस तरह से हम कभी कभी कुछ कुछ फ्रूट्स को या कुछ कुछ वेजिटेबल को उसकी साइकोलॉजी से ना झगड़ा करते हुए बोल देते हैं, मतलब इसको। लेकिन किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल को लेने में किसी भी बीमारी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि एक इंसान किसी एक वेजिटेबल से एलर्जिक है, वो रेयरली कभी होगा। ओके, वो उसकी बीमारी की वजह से नहीं है, वो ही इज मेड लाइक दैट। ओके, हाँ, तो उसको छोड़ दें हम, वो तो खुद ही बताएगा कि जब मैं ये खाता हूँ तो मुझे खुजली होती है, तो वो चीज़ मत खाओ। रेयरली होता है। और अगर हम क्वांटिटी कम ज़्यादा करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? मेजरली कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। ओके, क्वांटिटी कम लेंगे तो आप थोड़े पतले हो जाएंगे, कमज़ोर लगेंगे, तो मतलब कि आपको फर्क पड़ रहा है, आपको एनर्जी कम लग रही है, इसका मतलब क्वांटिटी कम रहेगी होगी। तो ये क्लू है कुछ कि कई लोग बोलते हैं मैं तो पतला हो गया, इसका मतलब आप 20% और फूड बढ़ाओ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, DIP डाइट के हिसाब से, कि जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, यही मतलब है इसका। सर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बात करते हैं कि जो DIP डाइट लेते हैं उनका वेट काफ़ी लूज़ होता है, तो वो काफ़ी सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, मुझे वीकनेस बहुत फील हो, क्या ये वीकनेस होती है या वो साइकोलॉजिकल है उनका? देखिए उसकी टेस्ट कीजिए वीकनेस की। आप जब DIP डाइट शुरू करें उससे पहले आप देखें कि आप कितनी देर दौड़ सकते हैं बिना रुके, आप देखें कि कितना मैक्सिमम वेट आप उठा सकते हैं, इस तरह से चार पाँच कितने उठक बैठक लगा सकते हैं बिना थके, ऐसे चार पाँच टेस्ट कीजिए, वो सब लिख के रखिए। DIP डाइट लेने के एक महीने बाद दोबारा से वही सारी एक्टिविटी करके देखिए, तो तभी पता चलेगा कि आपकी एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि घट रही है। सिर्फ अपने आप को देखेंगे शीशे में, मैं तो पतला दिख रहा हूँ, या किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया आप तो पतले दिख रहे हैं, आप तो कमज़ोर दिख रहे हैं, पतले को बोलते हैं भारत में कमज़ोर दिख रहे हैं, है ना, तो वो दिमाग बैठ गया। ऊपर से क्या है कि द काइंड ऑफ डाइट जो अभी हम लेते हैं DIP डाइट में, उसमें स्टिमुलेंट नहीं है, चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, पैक फूड नहीं है, जिसकी आदि हो चुका है इंसान, तो उसके अभाव में बॉडी में जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग ही कमज़ोरी का एहसास दिलाती है, तो क्रेविंग को इंसान कमज़ोरी से एसोसिएट करता है। ओके, तो आपको मेजरमेंट के थ्रू ये देखना होगा कि आप कमज़ोर एक्चुअली कमज़ोरी आ गई है या हमें लग रहा है ऐसा कि हमारा वेट लूज़ हुआ है। हाँ, इस वजह से वेट लूज़ होने को हम एसोसिएट करते हैं कमज़ोरी से। वियतनाम में मेरा सेंटर है, वहाँ पे किसी का वेट ज़्यादा होगा तो तब लोग कमज़ोर मानते हैं। ओके, कमज़ोर हो गए, अच्छा ये गेन वेट। वहाँ पे पतले को मानते हैं यार काफ़ी ताकतवर हैं, जैसे मान लो शेर है वो पतला है, राइट, कोई सांड होगा वो थोड़ा मोटा होगा, शेर है हिरन है वो भी पतला है, वो भी पतला है, वो भी पतला है। तो पतले का मतलब यहाँ पे एसोसिएट किया गया, खासतौर पे यहाँ हरियाणा में, पतला मतलब कि वो कमज़ोर। हमारे इस ऑफिस में ही हमारे यहाँ पे गांव है, वहाँ पहलवान होते हैं बहुत सारे, उनके नाम के पीछे पहलवान लिखा रहता है, वो जब आते हैं तो चार लोग तो उसको उठा के लाते हैं, ये मोटे तगड़े, लेकिन चार लोग पकड़ के ला रहे हैं बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, जो अपना वेट नहीं उठा पा रहा है वो कैसे किस तरह का पहलवान हो सकता है ना, लेकिन उसको सब पहलवान बोल रहे हैं। डाइट के बाद एक महीने बाद आता है, वो कोई नहीं उठा के ला रहा, खुद ही आ रहा है, बोल रहा है, सब बोल रहे हैं मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैं जब तो आप ताकतवर थे तब तो चार लोग उठा के ला रहे थे आपको, जब तो आप कमज़ोर हैं तो खुद ही आ रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन कमज़ोरी की और ताकत की, आपको देखना पड़ेगा। राइट सर।